सो नाउ विल स्टडी अबाउट द heterotrophic न्यूट्रिशन uh -huh. हम heterotrophic न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे Heterotrophic न्यूट्रिशन plants के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है तो so, सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द heterotrophic न्यूट्रिशन इन प्लांट्स Heterotrophic न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है वो एनिमल्स that कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड वो एनिमल्स जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो कहलाते हैं हैंट्रोट्रॉफिक तो अब हमने ये जानना है कि प्लांट्स के अंदर हेट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है so, all, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट्स पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं द दैट फीड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म अपनी डाइट हासिल करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट्स अब पैरासाइट्स हेट्रोट्रॉफ्स क्यों है क्योंकि वो अपना फूड ख़ुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि जो दूसरे जानदार हैं उनसे अपना फूड हासिल करते हैं उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर है डेट इज़ सेप्रोफाइट व्हाट इज़ मीन बाई सेप्रोफाइट द मीन्स ऑफ सेप्रोफाइट इज फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट इसकी एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडेड है न्यूटिया न्यूटिया इज कॉमनली नॉन एज बर्ड नेस्ट दैट इज़ अ सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म तो ये हमने जाना अबाउट टू हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में नंबर वन जाना पैरासाइट्स के बारे में पैरासाइट्स वो जो दूसरे जानदारों के से अपना फूड हासिल करते हैं एंड सेप्रोफाइट वो और ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फ़ूड हासिल करते हैं अब इसके बाद जिस चीज़ के बारे में हमने स्टडी करना है डेट इज़ कार्निवोर्स प्लांट्स कार्निवोर्स अगर हम प्लांट्स के अलावा अगर सिंपल कार्निवोर की बात करें तो कार्निवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेट फीड अपॉन दी मीट वो जो गोश्त खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है अब कुछ प्लांट्स हमारे पास कार्निवोर्स प्लांट्स भी होते हैं कार्निवोर्स प्लांट्स से क्या मुराद है प्लांट्स डेट फीड अपॉन इंसेक्ट्स वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं ऑब्वियसली इंसेक्ट से वो अपना मीट हासिल करते हैं तो इसीलिए वो कार्निवोर्स प्लांट्स है बिकॉज दे फीड अपॉन दी इंसेक्ट वो प्लांट जो इंसेक्ट से अपना फूड हासिल करते हैं डेट इज़ द कार्निवोर्स प्लांट्स या इंसेक्ट्स को ही अपना फूड बना लेते हैं अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं डिट इज फाउंड इन द नाइट्रोजन डेफिशेंट एरियाज़ वो एरिया जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन कंप्लीट मदार में मौजूद नहीं होता है वहाँ पर आमतौर पर कॉर्नीवर्स प्लांट्स पाए जाते हैं सो नाउ डेट वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉर्नीवर्स प्लांट्स कॉर्नीवर्स प्लांट्स वो जो इंसेक्ट को इंसेक्ट से अपने को अपना फूड बना लेते हैं या इंसेक्ट से अपनी फीड हासिल करते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं डिट इज़ फाउंड इन द नाइट्रोजन डेफिशेंट एरियाज अब इसके बाद जो चीज़ हमने पढ़नी है डेट इज़ टेम्पल्स ऑफ कार्निवॉल प्लान कार्निवॉल्स प्लाट्स की कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो प्लांट है डेट इज़ अ कार्निवल प्लांट डेट इज़ पिक्चर प्लांट पिक्चर प्लांट एक कार्निवॉल प्लांट है पिक्चर प्लांट के जो लीव्स होते हैं मोडिफाइड लीव्स ऑफ पिक्चर शेप इनके अंदर जो लीव्स हैं वो मोडिफाइड होकर पिक्चर शेप बना लेते हैं तो पिक्चर प्लांट के जो लीव्स होते हैं दैट इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप और उसकी एग्जांपल के अंदर आता है ना दैट इज़ अ पिक्चर प्लांट तो यह हमें जो पिक्चर प्लांट जो कि इंसेक्ट को अपनी फीड में आते हैं और इसके जो लीव्स होते हैं वो पिक्चर शेप्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं द सेकंड वन इज सेंड्यू सेंड्यू जो भी है ये भी एक कारनीवल प्लांट है और इनके अंदर जो है रेडिएटिंग लीव्स पाए जाते हैं जिसके अंदर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं टेंटिकल्स हम पहले भी कुछ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है ये वो स्ट्रक्चर होता है जो जिससे एनिमल्स अपना शिकार पकड़ते हैं जो भी उन्हें फूड लेना होता है उसे कैप्चर कर लेते हैं तो इसके अंदर भी ये जो प्लांट है सैंड्यू इनके अंदर भी रेडिएटिंग लीव्स होते हैं जिसके पास टेंटिकल्स मौजूद होते हैं और उन टेंटिकल्स की हेल्प से ये क्या करते हैं उस शिकार को अपने प्रे को पकड़ लेते हैं सो दिस वी हैव लर्न अबाउट द टू प्लांट्स डेट आर द दानीवुल प्लांट्स अब इसके बाद इसके अलावा जो कॉर्नीवल प्लांट है डेट इज़ वेनो फ्लाई ट्रैप वेनो फ्लाई ट्रैप की अगर हम बात करें सो इट इज़ अ मोस्ट वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया का बहुत ही खूबसूरत तो और बहुत ही अच्छा जो प्लांट है ये समझा जाता है इसके अंदर जो पेट्रोल होता है डेट इज़ विंग्ड पेट्रोल इन विंग इनका पेट्रोल जो है वो विंग्ड होता है इसके साथ साथ लेमिना हैज टू हाउस विद इंटर लॉकिंग तीथ इनका जो लेमिना होता है डेट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स उनको दो पार्ट्स में दो हाफ्स में जो है डिवाइड किया जाता है लेकिन उनके साथ साथ इनके अंदर इंटर लॉकिंग तीथ होते हैं इंटर लॉकिंग तीथ से क्या मुराद है मतलब जैसे ही इनके माउथ के अंदर कोई चीज़ इन होगी तो उनका जो टीथ होंगे वो उसको लॉक कर लेंगे अपने अंदर तो वो कहलाएंगे इंटर लॉकिंग तीथ तो ये हमने जाना अबाउट मिनोंग फ्लाई ट्रैप इसके बाद जो चीज़ है डेट इज वाटर फ्लाई ट्रैप अब वाटर फ्लाई ट्रैप कौन से प्लांट है इट इज अक्टिक रूटलेस प्लांट ये एक तो ही पहली बात ये कि ये एक्वेटिक प्लांट है एक्वेटिक प्लांट से क्या मुराद है पीस डी प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर ये प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाएंगे इसके साथ साथ दे आर रूटलेस प्लांट दीज आर रूटलेस प्लान रूटलेस प्लान से क्या मुराद है कि इनके अंदर roots प्रेजेंट नहीं होगी रूट्स के अलावा इनके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होता है जो जो कि इसको न्यूट्रस वगैरह सॉयल से ले सकते हैं बट इसके अंदर रूट प्रेजेंट नहीं होते दे आर रूटलेस प्लान दे हैव मोडिफाइड लीव्स इनके लीवस मोडिफाइड होते हैं एंड दे हैव मोबाइल लेमिना कंटेंट दीथ मार्जिन मार्जिन के ऊपर इनके जो मोबाइल लेमिना है उनके अंदर तीथ प्रजेंट होते हैं

रिमेंबर इट इज़ कार्निवर प्लांट ये कार्निवर प्लांट है जो कि वाटर के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर रूट प्रेजेंट नहीं होती दे हैव सिलेंडर शेप्ड स्टेम इनका जो स्टेम है वो सिलेंडर शेप एरेक्ट शेप के अंदर मौजूद होता है दे आर मोडिफाइड इनटू ब्लेडर देयर लीव्स आर मोडिफाइड इंटू ब्लैडर इनके जो लीव्स हैं वो ब्लैडर के अंदर मोडिफाइड हो जाते हैं और इसीलिए इसे ब्लैडर वोट भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो लीव्स हैं डेट इज मॉडिफाइड इन टू ब्लैडर सो दिस वी हैव अबाउट ऑफ ब्लैडर वर्ड इज एक्वेटिक रोटेस प्लांट्स उनके जो सिलेंडर शेप इनके अंदर स्टेम मौजूद होता है और उनका लीवस मॉडिफाइड हो जाता है इन टू ब्लैडर सो हेयर दैट्रोटॉफिक अब हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर जान लिए किस तरीके से होती है पैरासाइटिकली भी होती है मतलब तो पैरासाइट्स होते हैं प्लांट जो कि हेट्रोट्रॉफिक अपनी झजा हासिल करते हैं और इसके साथ साथ हमने जाना कार्निवोर्स प्लांट्स के बारे में और कुछ पकर्नीवोल्स की एग्जाम्पल्स के बारे में अब यह सब पढ़ने के बाद हमने जाननी है अबाउट द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर किस किस प्रोसेस से होती है सो so लेट्स स्टार्ट इन द दैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर हेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पैरासाइट्स जो है मौजूद होते हैं जो कि फीड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के अंदर भी पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेजम से अपना फूड हासिल करते हैं इसके साथ साथ दे आर सेप्रोट्रॉप सेप्रोट्रॉप्स मीन फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं तो वो हमारे पास सेप्रोट्रॉप एनिमल्स कहलाते हैं अब पैरासाइड्स और सेपोक्रॉप्स के बाद हमने जिस चीज़ के बारे में स्टडी करना है डेट इज फ्री लिविंग फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर सबसे पहले एनिमल है डेट इज डेटिवर्स एनिमल्स डेट आर एनिमल्स डेट फीड अपॉन डीकम्पोजिंग फ्रैगमेंट इन सम प्रीवियस लेक्चर वी है स्टडीड डेट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन डीकम्पोजिंग फ्रैगमेंट्स से फीड हासिल करते हैं अपना फूड हासिल कर लेते हैं उनसे और इसकी एग्जाम्पल के अंदर जो चीज़ इंक्लूडेड है डेट इज़ अर्थ वॉम अर्थ वॉम इज़ द डायड रिट फीड अपॉन डीकम्पोजिंग फ्रैगमेंट उसके बाद जो फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर है डेट इज दर्बी वर्बी वॉर्स एनिमल्स आर दो डेट फीड अपॉन प्लांट्स हर्बी वर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को अपना फूड हासिल करते हैं मतलब किसी प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं कोई और एनिमल या कोई और चीज़ को अपनी डाइट नहीं बनाते हैं

एनिमल्स आर दोस्त डेट फीड अपॉन फ्लैश वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं गोश्त से अपना फूड हासिल करते हैं या गोश्त को ही अपना फूड बना लेते हैं वो क्या लाते हैं कार्निवर्स प्लाट्स डेट ओनली फूट मीट जो कि सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं वो क्या लाएंगे हमारे पास कार्निवर्स और इसकी एग्जाम्पल कहना है डॉग इसके बाद सेकेंडलीज ओमनीवर्स ओमनीवर्स आर दोस्त डेट फीड अपॉन बोहत प्लाट एंड एनिमल ओमनिव और एनिमल वो एनिमल होते हैं जो प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स से भी अपना फूड हासिल कर लेते हैं मतलब गोश्त भी खा लेते हैं और वेजिटेबल्स वगैरह भी वो ईट कर लेते हैं और इसके एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडिड है हुमेन हुमेन बींग्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं इसके अलावा प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स एनिमल्स आर डोज एट कैप्चर एंड किल देर प्रे वो अपने शिकार को हासिल करते हैं उनको किल करते हैं और उसको अपना फूड बना लेते हैं और इसकी एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडेड है लाइन वैसे अगर देखा जाए तो जो लाइन है वो कार्निवर्स भी क्या ला सकता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फूड हासिल करता है लेकिन हम इसे प्रीडेटर क्यों कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड को कैप्चर करता है उसको अपना शिकार बनाता है उसे किल करता है फिर उससे अपना फूड हासिल करता है इसीलिए लाइन को एक प्रीडेटर कहा जाता है तो ये हमने जाना अबाउट थ्री मोर एनिमल्स के बारे में कार्निवर्स के बारे में हमने जाना है फीड अपॉन फ्लैश ऑमनीवर्स के बारे में हमने जाना है बारे में जाना है कौन से एनिमल्स होते हैं फिल्टर फीडर आर डोज डेट फिल्टर दाटर एंड फूड जो वाटर को फिल्टर करते हैं और वहाँ से अपना फूड हासिल करते हैं डेट इज़ नॉन एज फिल्टर फीडर और इसके एग्जाम्पल के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूडेड है डेट इज स्प स्पंज जो है वाटर को फिल्टर करती है और वहीं से अपना फूड हासिल करती है वी नोट डेट स्पंजी एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वहीं से वाटर को फिल्टर करके अपना फूड हासिल करती है द सेकेंड इज फ्लूड फीडर फ्लूड फीडर मीन्स फीड अपॉन लिक्विड मैटर लिक्विड मैटर को अपना फीड करती है उसको अपना फूड बना लेती है और इसके एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडेड है हनी बीज हनी बीज इज द फ्लूड फीडर एट फीड अपॉन द लिक्विड मैटर सो दिस वी हैव स्टडी अबाउट द फिल्टर फीडर एंड फ्लूड फीडर फिल्टर फीडर फ्लूट फीडर को स्टडी करने के बाद हमने जाना है अबाउट माइक्रोफेज फीडर माइक्रोफेज फीडर आर एनिमल्स डेट फीड अपॉन स्मॉलर पार्टिकल्स वो एनिमल्स जो बिल्कुल ही छोटे छोटे पर को अपना फूड बनाते हैं वो जो तो छोटे पार्टिकल्स को ईट करते हैं डेट इज नॉन एंड माइक्रोफेजिस फीडर इसके एग्जाम्पल के अंदर जो एनिमल इंक्लूडेड है डेट इज अमेबा द सेकेंड वन इज माइक्रोफेज फीडर माइक्रो की मीन्स ही होता है स्मॉलर इसीलिए वो एनिमल जो स्मॉल पार्टिकल्स को फीड करते हैं अब मैक्रो की मीन्स ही होता है लार्ज तो ऑब्वियसली इसकी मीनिंग होगी दैट फीड अपॉन लार्ज फूड पार्टिकल्स वो एनिमल जो लार्ज फूड पार्टिकल से अपना फूड हासिल करते हैं डेट इज नॉन एज और इसके एग्जाम्पल के अंदर जो एनिमल एक्टर डेट इज हाइड्रा हाइड्रा इज अ माइक्रोफेजियस फीडर सो दिस वॉज अ टॉपिक अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आई होप कि आपको ये दोनों न्यूट्रिशन न्यूट्रेशन न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी समझ में आ गई होगी अपना ख्याल रखिएगा